मैं किसी बात को लेकर काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ। अब आप लोग जानना चाहोगे कि मारुफा क्या ऐसी बात हुई है आपके साथ कचौचा शरीफ में जिसको लेकर आप इतनी हैरानगी में हो, इतने शॉक्ड हो कि ये इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्स वीडियो बना डाला। क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम लोग कैसे आते हैं कचौचा और यहाँ पर दरगाह मुबारक की भी ज़ियारत मैंने करवाई, फिर आप लोगों को होटल रूम टूर भी दिखाया। लेकिन जब होटल रूम टूर में दे रही थी तो उस वक्त मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी ही नहीं थी, वरना होटल रूम टूर के वीडियो में ही आप लोगों को मैं वो जो है चीज़ वो दिखा देती। कोई बात नहीं, अब मेरी नज़र जब उस पर पड़ गई, वो भी मेरी नहीं, कल रात को अहमद साहब की नज़र उस चीज़ पर पड़ी तो अहमद सर और मैं दोनों ही शॉक्ड रह गए। उनको 2 मिनट के लिए लगा कि ये काम मैंने किया है, लेकिन कसम से दोस्तों मैं कह रही हूँ इस वक्त कचौचा शरीफ में खड़ी हूँ, झूठ मैं पहले भी नहीं बोलती थी अल्हम्दुलिल्लाह और अभी भी नहीं बोलती हूँ मेरे दोस्तों। तो चलिए, अहमद साहब ने मुझे पूछा कि क्या ये मारूफा आपने किया है। मैंने कहा मैं क्यों करूँगी, मैं तो सबको खुद रोकती हूँ कि ऐसा हरगिज़ ना करें। मैं तो अना सागर गई थी उस वक्त भी मैंने रोका था। तो चलिए वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उसके बाद में आगे की बातें जो है वो शेयर करती हूँ। कम रामशु बैठी है यहाँ पे, बाकी सारे लोग हमारे उस रूम में हैं। ये ऐसा निशान पड़ गया है वो ये जलाकर मॉस्किटो का लगाकर। तो ये देखिए, ये आप लोग कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ये देखिए जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग रीड करें क्या है। TUFAIL तुफैल AHAMED है ना, तो ये हो गया तुफैल अहमद। यहाँ रूम के दीवार पर लिखा है, ये देखिए कि मुझे दिखाई नहीं गया यार कि क्या चीज़ ऐसी लिखी हुई है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आगे की बात बताती हूँ। फ्रेंड्स, हुआ ये कि हम लोग कचौचा शरीफ, मैं और अहमद साहब बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं। पिछले सारे ब्लॉग्स को देखकर आप लोग तो ये जान ही चुके होंगे, इससे पहले हम लोग कभी कचौचा आए नहीं, बल्कि हमारे फैमिली के जो मेंबर्स थे वो लोग हमेशा आते जाते रहते थे। अब हम लोगों ने ये होटल का रूम भी पहले से बुक नहीं किया था, हम लोगों को ये भी नहीं था कि हम लोग जाकर वहाँ कहाँ पर रुकेंगे, कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं था। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देख ही रहे हो, इत्तफाक से हम लोग कचौचा पहले आने से पहले, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कचौचा आने से पहले हमारी बार बार कैंसिल हो रही थी कि नहीं अभी नहीं जाना है, ऐसा है वैसा है, मतलब हो ही नहीं पा रहा था जो हम लोग कचौचा पहुँचे। लेकिन फिर जब हम लोगों ने प्लानिंग कैंसिल कर दिया कि नहीं अब नहीं जाना है, तो अचानक से सुबह को सबका मूड बनता है कि भाई चले कचौचा चलते हैं, और समहाउ हम लोग कचौचा पहुंच गए। कचौचा आते आते हम लोगों को रास्ते में 2 प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। एक तो बस ने ऐसा ब्रेक मारा जिसके बाद में हमारी जो अम्मी हैं, मेरी सास अहमद की मम्मी, तो उनको ऐसा लग गया कि पूरा उनका यहाँ से यहाँ तक पूरा रेड हो गया। ठीक है, दूसरा हमारी जो बड़ी वाली अप्पी है वो भी मतलब अपने बुरखे में फंस गई और गिर गई पूरा, तो वो भी मतलब बाल बाल बच गई, गिर गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको चोट नहीं लगा, लेकिन अम्मी को यहाँ पे पूरा चोट लगा। तो कचौचा आते आते हम लोगों को ये 2 चीज़ों का सामना करना पड़ा। उसके बाद में जब हम लोग कचौचा शरीफ पहुँच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग 2 रूम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाले रूम जिसका मैंने टूर आप लोगों को दिया है होटल रूम का, यहाँ पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ के रूम्स के बारे में कि आप अगर डबल बेडरूम लेते हो तो उसमें सिर्फ 3-3 लोग ही रुकेंगे, और हम लोग 6 लोग हैं और हमारे साथ 2 बच्चे हैं, एक बुज़ुर्ग है हमारी अम्मी। तो हम लोगों ने सोचा कि 2 रूम लेते हैं, दोनों में डिवाइड हो जाते हैं, या फिर एक बड़ा रूम हम लोगों को मिल जाए। तो जितना भी बड़ा रूम था ना वो सारा ही मतलब भरा हुआ था, तो हम लोगों को मिला नहीं, तो इस वजह से हम लोगों ने 2 सिंगल रूम यहाँ पे लिया। अब सिंगल रूम में भी समझिए कि एक रूम हम लोगों ने फैमिली को अपना दे दिया और बाकी हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर रुकेंगे, जिसके बाद में हमारे फैमिली ने कहा कि नहीं आप लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो तो आप लोग यहाँ पर रुक जाएं, हम लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब रात को सारे वीडियोस बनाने के बाद में मैं जब एडिटिंग कर रही थी बैठ के, उसके बाद अहमद सर वहाँ पर गए हैं अपना चार्जर लगाने के लिए, वो देखिए वहाँ पर चार्जर पॉइंट है। तो जब वहाँ पहुँचते हैं चार्जर पॉइंट लगाने के लिए, चार्जर पॉइंट में चार्जर लगाने के लिए, तब उनकी नज़र पड़ती है तुफैल अहमद। तो बोलते हैं मनु, तो हम अचानक से बोलते हैं कि मतलब क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि ये तुमने लिखा है। तो मैंने कहा क्या मैंने लिखा है, तो बोलते यहाँ आओ यहाँ आओ। तो जब मैं गई वहाँ पर तो मैंने क्या देखा, शॉकिंग है कि नहीं, लाफिंग,
हाँ, मैंने जब ध्यान लगाकर देखा तो अभी फ्रंट कैमरा से शायद आप लोगों को नजर ना आए, लेकिन बैक कैमरा से मैंने आप लोगों को दिखाया है, इट इज रिटन तुफैल अहमद। और तुफैल अहमद कौन है? अहमद साहब का फुल नेम ही ओरिजिनल तुफैल अहमद है। तो इस बात को लेकर मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुई, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए। मैंने बोला उनको, आपने ही लिखा होगा, ये आपकी ही मजाक है, ठीक है, आपने लिखा है ताकि मैं थोड़ा यू नो डर जाऊं या शॉक हो जाऊं कि ऐसे कैसे। तो वो भी कसम खाकर कहते हैं कि नहीं मनु, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है। मैंने कहा कि यार मैंने भी नहीं लिखा, मैं झूठ बोलती नहीं और मुझे दीवारों पर लिखाई करने से सख्त नफरत है, बिल्कुल नफरत है मुझे इस चीज़ से। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं क्यों ऐसा कोई चीज़ करूँ जो अलग से मेरी पहचान हो, या फिर भद्दा सा लगता है ना यार, दीवार है, प्लेन है, अच्छा लग रहा है, नाम लिखूँ। अब ऐसे में मैं और अहमद साहब जब बैठते हैं साथ में तो हम दोनों यही सोचने लगते हैं कि कैसे देखे अल्लाह ताला ने हमारे कछौचा आना नसीब में लिखा। अच्छा, कछौचा आना तो लिखा, साथ में वो होटल और वो रूम भी अलॉट किया जिसमें तुफैल अहमद लिखा है। मतलब दिल में एक ऐसा हो गया ना फ्रेंड्स कि हज़रत बाबा का, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्ला अलैह सरकार का हम दोनों को बुलावा था, जिसके वजह से हमारे लिए यहाँ पर रूम भी जो है वो पहले से बुक था। और ये पहले से पेशमगोई हो चुकी थी कि मैं शायद बोलने में कुछ गलती कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये पहले से तय जैसे हो गया था कि हम लोग आकर इस वाले रूम में रुकेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, और ऑफ कोर्स किसी के लिए भी शॉकिंग होगा अगर आप लोग भी कभी किसी होटल में जाते हो, वहाँ पे पर्टिकुलरली रूम लेते हो अनजाने में, और वहाँ पे आपको आपका खुद का नाम लिखा मिलता है दीवार पर, तो आप अचंभित शॉक तो हो ही जाओगे ना कि यार ये कैसे। ये ज़रूर ऐसा होता है ना दिल में कि पहले से बुलावा होगा, हाँ पहले से ऐसा होगा पहले। तो यही हमारे साथ भी हुआ। तो इसी बात को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ, हैरान हूँ, और खुश तो इतनी हूँ कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द बिलई बीबी की दरगाह मुबारक का वीडियो लेकर मैं हाज़िर होंगी अपने चैनल पर। मखदूम पाक की बिल्ली साहिबा का नाम बिलई बीबी को मज़ार शरीफ है, कछौचा ही में मौजूद है। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ का भी वीडियो दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों के साथ भी कभी कोई ऐसा इत्तफाक हुआ? अगर हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन में ऑल में हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। वैसे कछौचा शरीफ में हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार बुलाते सिर्फ उन्हीं को है जिनको वो अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं, और इस बात को मैंने खुद अपने ऊपर होते हुए देख लिया। एक बार आना हो रहा था, एक बार नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली मैं पहुँच गई। तो चलिए अब इतना ही इस वीडियो में। बाय बाय, चेक करना, अल्लाह हाफिज़।